पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मुझे जानकी माँ से मानस के बारे में बात करनी होगी। उन्हें ये बताना होगा कि मैं मानस के साथ नहीं रह सकती। ऋषि अत्री जी की पत्नी अनुसुया जी से जब सीता मैया मिली तो उन्होंने सीता माँ को पत्नी धर्म का ज्ञान करवाया। जैसे माँ सीता राम जी के लाने महल का सुख चैन आराम छोड़ करके उनके साथ जंगल में गई, उसी तरह हर स्त्री को स्वार्थ का त्याग करके अपने पति का साथ देना चाहिए। पति से मन मुटाव हो जाए तो उसके साथ मिलकर सुलझाओ, छोड़ो मत, साथ दो, यही पत्नी धर्म है। निजी स्वार्थ के लिए पति का साथ छोड़ देना स्त्री के लिए किसी पाप से कम नहीं होता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मौली इधर आओ। जी। आप इससे नहीं मिले? यह हमारी बहू मौली है, संस्कारों की धनी, हमेशा अपने परिवार और रिश्तों को अपने स्वार्थ से ऊपर रखती है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पोते की पत्नी है और हमारी बहू। नमस्ते। खुश रहो बहू। नमस्ते। ये आंधी कहां से? जी मौसम अचानक बिगड़ कैसे गया? अरे हमने तो छत पे कपड़े डाले सुखाने के लिए। जानकी जी हमें जाना चाहिए। जी चलिए चलिए, हमने भी छत पे ना अचार सुखाने रखा है, सो खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है अभी तो आप लोग जाइए, लेकिन कल हमारे यहाँ ग्रह शांति की पूजा है, आप लोग जरूर आइएगा। जी जी बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे। ये सही टाइम है बात करने का। जानकी माँ मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मौली पहले जाके कपड़े उतार लो, नहीं तो आंधी में उड़ जाएंगे। जाओ। जी। स्वरा ज्योति इसे लेकर जाओ। जी जानकी माँ। कोई बात नहीं मानस, गलतियां सबसे होती हैं, पर जरूरी बात यह है कि गलती दोहराई ना जाए, उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। और सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए ना, उसे अपनाने वाले को परिवार कहते हैं। चल अब घर चल। पर दादा बेल के पेपर्स भी तो लगेंगे ना। वो मैंने करवा लिए हैं, तू बस मानस को लेकर घर चल। नहीं मानस मेहंदी वाले घर नहीं जाएगा। मैं और मानस डायरेक्टली यहाँ से मुंबई जाएंगे। क्यों? घर जाने में दिक्कत क्या है? आपने सुना ना वो लोग मानस के बारे में क्या सोचते हैं? और मनोज ने भी वैसे भी वहां पर भी मौली की साइड ली। उनके लिए सिर्फ मानस ही गलत है, वो लोग मानस को कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि सारी सिंपति हमदर्दी सब कुछ उस मौली के लिए है ना। मौली मौली लाइफ में ऐसे ही तूफान आने का वेट कर रही हो। दादी पे उससे बात क्यों नहीं की तुमने? ट्राई किया था पर मौका नहीं बना। तुम भी जानते हो कि मैं बात करना चाहती हूँ राहुल, और सिर्फ जानकी माँ से नहीं, घर पे सबसे बात करना चाहती हूँ, पर सबसे पहले मैं पापा को बताना चाहती हूँ, वही राइट तरीका होगा। रॉन्ग है मौली, एक न एक दिन तो घर में सबसे बात करनी है तुम्हें। मनोज चाचू से पहले बात करो या दादी ब्रो से बात करो, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो
छोड़ो ये सब, पहले जाके दादी ब्रो से बात करो। इनकी जमानत हो गई है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। इस पर साइन कर दीजिए। मानता हूं कि ये घर जाएगा तो इसका स्वागत नहीं होगा, थोड़ा डांट डपट पड़ेगी, गुस्सा भी करेंगे, पर घर का बच्चा है और घर का बच्चा गलती करे तो डांट कर समझाना भी तो परिवार वालों का फर्ज होता है ना। चल जानकी माँ घर पे इंतजार कर रही है। थैंक यू ताऊ जी। और जानकी माँ ने गृह शांति के लिए पूजा रखी है, उसमें तुझे बुला ही रही थी, और अब ये हमारे साथ है तो इसे राम जी की मर्जी समझो। चलो घर चलो। मॉम डैड ताऊ जी सही कह रहे, ही इज राइट। वैसे भी घर में सब लोग कितने परेशान हुए मेरी वजह से, हर्ट हुए, तो मैं जाके सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मानस तुम्हें जितना सिंपल ये लग रहा है, जितना इजी तुम इसे सोच रहे हो वो है नहीं। मुझे वो नहीं करना है मॉम जो इजी है, मैं वो करना चाहता हूँ जो सही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों के घर वालों के साथ रिश्ते खराब। शाबाश मानस। देखा दादा, जानकी माँ के आशीर्वाद से मानस की सोच और समझ सही रास्ते पर आ गई है। तेरी लाइफ में जो तूफान आया ना, उसे मैं शांत करूंगा। तू बस घर चल। अच्छा अच्छा चलो अच्छा। बाकी सब तो मनोज देख लेंगे, पर घर पे एक और तूफान बैठा है, मौली, उसका क्या करेंगे? जी पंडित जी, मौली कपूर और हवन की सामग्री जो भी आपने बोली थी वो सब मंगवा ली है। जी जी, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो आप फोन कर दीजिएगा, मंगवा लेंगे। हाँ जी हाँ जी जी पंडित जी। जी जी पंडित जी, अब कल ही आपका स्वागत करेंगे। जय राम जी की। बोलो कहना है। हाँ जानकी माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ मानस को? इतनी चोट कैसे लगी? दादी ये सब मेरी गलतियों की सजा है, मैं डिजर्व करता हूँ। जानकी माँ मैं बताता हूँ।
मानस के साथ इतना कुछ हो गया? आओ बैठो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।